जैन साथियों, साथियों आज मनुस्मृति के पहले अध्याय में चार वर्णों का यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्णों में हम विभाजित करे गए हैं। ये कहते हैं कि शूद्र का जन्म जो हुआ है पैर से हुआ है। आप मंदिर में जाते हो तो आप मंदिर में जाने के बाद किसी भी देवी हो या देवता हो आप क्या छूते हो, हाँ आप वहाँ जाके पैर छूते हो, यानी कि जिससे शूद्र का जन्म हुआ आप पैर छूते हो, ऐसा ही है गलत। इसलिए किसकी पूजा हुई, शूद्र की। शूद्र का जन्म पैर से हुआ तो शूद्र की पूजा हुई। तो भाई आप सभी से अनुरोध है ऐसी बातें ना बताएं कि ये शूद्र है ये वो है, क्योंकि काम के हिसाब से ही आदमी कोई शूद्र बन सकता है और काम के हिसाब से ही ब्राह्मण भी। ये मनुस्मृति के पहले अध्याय में लिखा है, आप एक बार पढ़ें उसे भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ बताते हैं ये शूद्र है ये वो है ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जय भीम।